विष्णु मनोहर ने इस वर्ष भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर चावल की 75 किस्मों से 75 प्रकार के चावल बनाने का निर्णय लिया है। इस संकल्प को पूरा करने में उन्हें 5 घंटे का समय लगेगा। यह आयोजन 17 जुलाई 2022 को सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक विष्णु जी की रसोई सेंट्रल बाजार रोड बजाज नगर चौक नागपुर में होगा। करीब 5 किलो धान का उत्पादन होगा, यानी इस समय कुल 375 किलो धान का उत्पादन होगा। यह तैयार चावल सभी भोजनालयों में निःशुल्क वितरित किया जाएगा। इनमें से कुछ को विशिष्ट बच्चों के स्कूलों, अनाथालयों, वृद्धाश्रमों, नेत्रहीन स्कूलों आदि में वितरित किया जाएगा। चावल की 75 किस्मों को इकट्ठा करना कोई आसान काम नहीं है। लोगों को ऐसे 75 प्रकार के चावल भी देखने को मिलेंगे। लोगों को चावल के नाम, जाति, क्षेत्र और जिस पदार्थ से इसे बनाया जाता है उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की जाएगी। वहीं विष्णु जी इस चावल से तरह तरह के चावल बना रहे होंगे। इस कार्यक्रम का लाभ लेने के लिए लोग अपने घर के डिब्बे साथ लेकर आए। वृद्धाश्रम है, स्पेशल चाइल्डचा स्कूल आहे त्यांच्यासाठी, आणि पूर्ण नागपूरकर ज्यांना एक इंटरेस्ट असतो की काय वेगळं होत आहे ते बघूयात, त्यांच्यासाठी तो भातही तयार झालेला भातही असेल आणि नुसता रॉ तांदूळही असेल की कुठल्या तांदूळापासून कुठला भात किंवा त्याचा एक पदार्थ तयार झालेला आहे। या इव्हेंटला तसे नागपुरातले सगळे हुजू आहेत, पण बाहेरून असं कोणी तसं बोलवलं नाही आहे, कारण तांदूळ हाच एक स्वतः आपल्यामध्ये राजा माणूस आहे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज नागपुर।